तो वही देश भर में पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। वही श्रीगंगानगर में पेट्रोल के दामों में लगातार कीर्तिमान स्थापित कर रहे श्री गंगानगर में आज पेट्रोल और डीजल के दामों में 28-28 पैसे की वृद्धि दर्ज की गई है, जिसके बाद श्री गंगानगर में पेट्रोल के दाम बढ़कर 105 रुपए और 22 पैसे हो गए। तो वही डीजल के दाम 98 रुपए 20 पैसे पहुंच गए। पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार वृद्धि देखी जा रही है, ऐसे में आम आदमी काफी मुश्किलों का सामना कर रहा है, जिससे लोगों में लगातार सरकार के खिलाफ आक्रोश बढ़ रहा है। डीजल के दामों में लगातार वृद्धि हो रही है, ऐसे में राजस्थान का श्री गंगानगर लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में देश में नई कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। आज भी राजस्थान के श्री गंगानगर में पेट्रोल के दामों में लगातार फिर से वृद्धि हुई है और पेट्रोल के दामों में 28 पैसे की वृद्धि हुई है और जो पेट्रोल का दाम है वो करीब 105 रुपये प्रति लीटर पहुंच गया है। इस समय हम एक पेट्रोल पंप पर मौजूद हैं, यहां पर हम इन पेट्रोल पंप के कर्मचारियों से जानते हैं कि किस कितनी वृद्धि हुई है पेट्रोल के दामों में, कितनी वृद्धि हुई है। आज 28 पैसे वृद्धि हुई है, डीजल और पेट्रोल दोनों में बराबर है। तो पेट्रोल के दाम कितने हो गए अभी? 105 रुपये 13 पैसे। तो पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में आपकी सेल किस तरह से प्रभावित हो रही है? सर, सेल तो प्रभावित हो रही है, इसमें ग्राहक कम आ रहे हैं। पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार वृद्धि से जो ग्राहक हैं वो कम आ रहे हैं। इस समय पेट्रोल पंप पर तेल भरवाने के लिए कुछ ग्राहक पहुंचे हैं, हम इनसे जानते हैं कि पेट्रोल के दामों में लगातार वृद्धि हो रही है, तो किस तरह से आप इस वृद्धि को देखती हैं और आम जन जीवन है उस पर किस तरह से इसका प्रभाव पड़ रहा है? देखिए, जिस तरह से जीवन शैली व्यक्ति की हो चुकी है उसमें साधन के बिना निश्चित रूप से नहीं सरता है, और पेट्रोल भी भरवाना जरूरी है क्योंकि दूरगामी जो जाने वाले लोग हैं उनको बिना मोटर बाइक के सरता नहीं है, और पेट्रोल जब भरवाएंगे तो निश्चित रूप से जिस तरह से पिछले 1.5 साल से आर्थिक मंदी का दौर चल रहा है, ऐसे में प्रत्येक व्यक्ति के लिए आमदनी 98 और खर्चा रुपया वाली स्थिति हो रखी है। मैं सरकार से कहना चाहूँगी कि उपभोक्ताओं की परेशानी को ध्यान में रखते हुए पंजाब की तर्ज पर यदि पूरे ऑल इंडिया में एक जैसा रेट रख दिया जाए तो कम से कम ये जो मानसिक और आर्थिक पीड़ा है उससे कहीं ना कहीं निजात मिल सकती है। तो आम ग्राहकों को इससे वास्तव में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। लोगों की ये भी मांग है कि पेट्रोल डीजल जो कि राजस्थान पेट्रोल डीजल की कीमत जो राजस्थान के समीपवर्ती पंजाब और हरियाणा के राज्य हैं उनमें काफ़ी कम है, तो उसको जो कीमत है उन राज्यों की तर्ज पर उनके बराबर में लाया जाए। और भी ग्राहक हैं, हम आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से प्रभावित कर रही है पेट्रोल। जिस प्रकार से आपने अभी 4 दिन पहले देखा होगा पूरे देश के अंदर हमारे गंगानगर जिला जो था तापमान में इतना 1 नंबर पे था, लेकिन हम राज्य सरकार और केंद्र सरकार से ये कहना चाहेंगे कि आप एसी छोड़कर आम जनता के बीच में आइए। इस गर्मी के मौसम में 15 मिनट से खड़ा हूँ और ये भाव रोज के 20 पैसे 30 पैसे 40 पैसे बढ़ोतरी हो रही है। इसका मतलब है केंद्र और राज्य सरकार जो है वो आम जनता को इस आर्थिक पीड़ा के अंदर और ज़्यादा आर्थिक रूप से मारना चाहती है। तो कह सकते हैं कि लोगों में काफ़ी आक्रोश है पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार वृद्धि से। सरकार को चाहिए कि लगातार बढ़ रही कीमतों पर अंकुश लगाए ताकि आम आदमी को राहत की सांस मिल सके। इस समय कैमरा पर्सन विजय के साथ श्रीगंगानगर से राजेंद्र जैन, इंडिया न्यूज़।